हेलो गाइस, मैं संजय और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है बेंगोल असेंबली मोटर और मेरे शॉप का नाम ही बेंगोल असेंबली। तो मैं आज लेके आऊँ आप लोगों के लिए लेटेस्ट तीनों फॉग लाइट। थोड़ी सी ये पुरानी है पर ये दोनों बहुत लेटेस्ट है, अभी न्यू, बहुत ही आपको मार्केट में कम देखने के लिए मिलेगा और मार्केट में इतना अवेलेबल भी नहीं होगा। ये है 20 वाट का सिंगल पीस जो ख़तरनाक लाइट है, वाइट और पीली के साथ, और ये भी वाइट और पीले के साथ। बट इसके अंदर खासियत ये है, इसके ग्लास नहीं, अंदर ही बल्ब है जो पीली भी है और वाइट भी है, और इनमें आपको अलग से ग्लास लगाना पड़ेगा पीले के लिए। ये 60 वाट का है, ये 30 वाट का है और ये 20 वाट का है। ये सारे सिंगल पीस के बता रहा हूँ मैं, डबल के दोनों के अलग 60-60, 120 हो जाएंगे इसके, और इसके हो जाएंगे 30-30, 60 और इसके 20-20, 60। हाँ, अब आपको बता देता हूँ मैं इन बाइक उसके फॉगलाइट के लिए हमें कोई वायरिंग नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमने अलग से इसके लिए वायरिंग बना कर रखा हुआ है कॉपर का, दो इन्वर्टर्स की बैटरी के साथ, साथ में इसकी फ्यूज, ये आपकी रिले, इसका स्विच, और कोई वायर में कट नहीं लगेगा। ये प्लग एंड प्ले है, सेम ऐसा प्लग एंड प्ले जो हम इसको यूँ पकड़ के लगा सकते हैं, सबके साथ ही है। और इसके साथ कुछ नहीं करना हमने, क्योंकि इसकी वायरिंग कंपनी HJG जो है उन्होंने बिल्कुल इसकी रिले वगैरह सब कुछ साथ दिया हुआ है। और मेरे शॉप पे आओ, अब आप लोग बाइक पे लेके ये लाइटें लगवाओ और रात को दिन की उजाला की तरह कर लो, जिससे लगे हाँ बिल्कुल उजाला है, सामने लगाओ बिल्कुल रोशनी क्लियर दिखेगा। जैसे मैंने फॉग लाइट के बारे में बताया था आपको, ये HJG का है और ये 60 वाट का है एक लाइट, और दोनों हैं आपकी 120 का, और साथ में ये पीली कवर भी इंक्लूड है, जैसे आपको फॉग में होता है, फॉग के टाइम में पीली लगाओ और जैसे नॉर्मल वाइट है। इसकी रोशनी मैं दिखा रहा हूँ आप अभी चला के, इसकी रोशनी है सामने देख सकते हो आप बिल्कुल प्रॉपर, सामने देखो सामने लाइट है। इसके साथ साथ जैसे हमने ये पीले को भी घुमा दिया, अब ये पीली घूम गई, ठीक है, दोनों की रोशनी सेम है। अब पीली जब करेंगे तो ये रोशनी हो जाएगा इसका, और वाइट के साथ ये है। तो हम इसके जब यूज करना हो दोनों अलग अलग करके यूज कर सकते हैं। साथ में इसका बटन है जिसके अंदर ये लाइट भी जलेंगे, इससे पता चल जाता है जो हमारी लाइट वायरिंग में कोई कमी नहीं है। और साथ में इसकी पूरी हार्डनेस है ये, और ये रिले है मिंडे की रिले है इसमें, जिसके अंदर आपकी बाइक के अंदर कोई वायरिंग नहीं छेड़खानी करेंगे, क्योंकि पूरी हार्डनेस के साथ है। और एक्स्ट्रा फ्यूज बॉक्स भी है इसमें, जैसे बाई चांस वायरिंग में प्रॉब्लम आता है, कुछ होता है तो ये आपकी बैटरी लोड नहीं ले रहा, तो इसकी फ्यूज उड़ जाएगा, ये आपकी बाइक के वायरिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। VZ13 कहते हैं, और इसकी ये फिटिंग साथ में इनबिल्ट है, ये आपको अलग से हार्नेस वगैरह वायरिंग वगैरह चाहिए वो भी मिलेगा। इनके बटन भी साथ में है, ये वाटरप्रूफ है, और दूसरा बटन ये जैसे आपने दो क्वालिटी का बटन लगाना था, तो ये वाले ही मिलेंगे हमें, ये पुश वाले हैं। ये हमारी दूसरी फॉग लाइट है, इसके अंदर वाइट और पीला दोनों मिक्स है, और ये भी HJG कंपनी का है, और ये है KZ13, और इसके अंदर भी वाइट और पीला ऑप्शन है। मैंने इसके लिए ग्लैंस वाली वाइट रखा हुआ खोल के, और दूसरी ये पीली, अभी मैं इसको जला के दिखाता हूँ आपको। और ये एडजस्टेबल के साथ में है, इसको छोटी बड़ी के भी कर सकते लाइट को। ये है वाइट और ये है येलो, इसके अंदर इसके गिलास आते हैं येलो करने के लिए, और ये नॉर्मल वाइट है। इसके अंदर सबसे खासियत ये है, इसके पीछे जो एडजस्टेबल करने के लिए सिस्टम है, इसको ऐसे पकड़ने और जैसे खींचूंगा सामने, देखो इसकी लाइट यहाँ जाके सामने बिल्कुल ब्लू हो जाता है, अब ये बड़ा हो जाएगा, जितना अंदर करेंगे ये बड़े होते जाएंगे, और जितना इसको पीछे खींचते रहेंगे सामने छोटा हो जाएगा। ये चीज़ इसकी लेंथ जो है अंदर वाला, और मैं जो दिखाने जा रहा हूँ छोटा सा ट्रिक मार का जादू, बहुत छोटी सी लाइट और बहुत तेज। इसकी शक्ल देखो बिल्कुल छोटा सा, और हीटिंग के लिए फैन लगा हुआ है, और इतनी खतरनाक प्रोजेक्टर है, देखो ये भी HJG का ही है, एक बॉक्स के अंदर दोनों हैं। इसकी वायरिंग वगैरह साथ में आते हैं, हमें कुछ वायरिंग अलग से लेना नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ एक बटन लगाओ और कनेक्शन करके चालू कर दो। और इनके अंदर भी फ्यूज होते हैं, जैसे कोई बाइक की प्रॉब्लम ना हो, इनमें भी फ्यूज है।
उनके अंदर भी फ्यूज है। अब देखो कितना छोटा सा फॉग लाइट है, मैं दोनों हाथों से यूँ पकड़ लिया फॉग लाइट को, और बाई चांस नट बोल्ट खुल भी जाती है ना तो ये फॉग लाइट को हम हाथ से पकड़ लेंगे या अपने जैकेट के जेब में डाल सकते हैं। देखो अब लाइट को मैं दोनों जला के दिखाऊंगा, दोनों हाथ एक हाथों से। यह इसकी वाइट लाइट की रोशनी है, इसकी वाइट रोशनी है। अब इसको पीली जलाया जाए, इसका पीला सामने देख लो, ये देखो सामने कितनी तेज रोशनी है इसकी। सामने दुकान पे देखना तुमने सीट वाले के साथ में, इसकी रोशनी इतनी बढ़िया है। और ये वायरिंग इनबिल्ड है, इसके अंदर रिले इसकी लगी हुई है। ये इसका फ्यूज बॉक्स है जो इसकी आपकी बाइक के वायरिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये तीनों फॉग लाइट आपको अवेलेबल होता है हमारे पास, और जब भी आओ तभी मिलेंगे, आके ट्राई करो कभी भी आप। और सबसे खासियत है इसके अंदर ही लाइट है डुअल्ड, एक की पीली एक वाइट। जैसे सामने आप जला के देखो, अभी यह है पीली और साथ में ये वाइट भी जलेगा। अब ये हो गया वाइट, तो इसकी फोकस देखो कितनी तेज है, ये सामने दिखा दिया मैंने। देखो ये सिंगल पीस का फोकस है, छोटी सी लाइट है। अब पीली जलाया जाए, पीली चेक करते हैं, ये पीले की रोशनी है। तो दो लाइट पे कितना तेज होगा आप समझ सकते हो, जो अच्छी खासी लाइट है और HJG की ब्रांडेड, इनकी सबकी गारंटी है 6 मंथ की। 6 मंथ लाइटों की रोशनी आप लोगों को दिखा दिया है, आप देख लिए लाइटों की रोशनी कैसी है, तो आप समझ ही सकते हो जो बाइक के लगने के बाद आपको रात को जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आओ अपने छोटे भाई संजय के पास, लाइटें लगवाओ, और जिन जिन भाइयों को वायरिंग के लिए शिकायत रहता है वो भी बताया करो, जो भाई ये शिकायत है तो भी मैं आगे से और देखूंगा जो शिकायत है वो सही करने के लिए। और नहीं शिकायत है तो लाइक कर देना, शिकायत है तो मतलब लाइक करना, कमेंट कर देना जो संजय भाई आपकी कमी ये कमी है, तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए गाइस बाय बाय।